यार मेरे पास पीसी तो है बट मैं कैसे जो है उससे अर्न कर सकता हूँ घर बैठे बैठे। टेंशन मतलब मैं बताता हूँ। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आप में से कितने सारे लोगों के पास जो है यहाँ पे घर पे अपना पीसी होगा या फिर जो आप लैपटॉप यूज करते होंगे, तो मैं आपको अगर बोलूं कि आप जो है यहाँ पे लैपटॉप से या फिर पीसी से घर बैठे बैठे जो है 3 से 10 हज़ार रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा जो है कमा सकते हैं, वो भी बहुत इजी तरीके से, तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाएंगे। सो यस गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक नहीं दो नहीं टोटल 3 ऐसे तरीके जिसकी मदद से जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप या फिर पीसी से जो है काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर पाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सेफ तरीके से। तो बताने वाला हूँ कौन से वो 3 तरीके हैं, तो वीडियो आपको एंड तक देख रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू करते हैं, बात करते हैं हमारे सबसे पहले तरीके के बारे में जो गाइस आज के टाइम पे एकदम ट्रेंड है, आने वाले टाइम में एकदम फ्यूचर है आप बोल सकते हो, जो है यहाँ पे बिटकॉइन। अब मैं ये नहीं बोल रहा आपको बिटकॉइन खरीदना है, एक एक बिटकॉइन 30-30, 40-40 लाख का, मैं आपको बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है इतने सारे एंड भाई यहाँ पे जो है मेरे को नॉलेज भी नहीं है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप जो है आपके कंप्यूटर में या फिर आपके लैपटॉप में इनबिल्ट ग्राफिक्स होते हैं। अब बहुत से लोग जो कंप्यूटर में, जैसे मेरे एक पीसी में है, जो ग्राफिक कार्ड लगाए जाते हैं। अब गाइस अगर आपके पास एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो वेल एंड गुड, अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है तो कोई बात नहीं। पता होगा कि आपके जो कंप्यूटर में जो ग्राफिक कार्ड है उससे जो है यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग होती है। तो ऐसे आपको ऑनलाइन काफी सारे सॉफ्टवेयर वेबसाइट देखने को मिल जाती है जिसमें जो आप यहाँ पर रजिस्टर करके अपने पीसी को या फिर आप बोल सकते हो अपने डिवाइस को वहाँ पे जो है वो माइनिंग के तौर पे यूज करा जाता है। वहाँ पे आपका कोई ज्यादा डेटा नहीं जाता एंड काफी सारे लोग जो है इसको घर बैठे बैठे करते हैं। मैं सही बताऊं तो आप दिन के 1000-2000 रुपए आराम से कमा लोगे, बस वो आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, 6 GB का है, 8 GB का, तो आपको उस हिसाब से जो है ज्यादा अर्निंग देखने को मिलती है क्योंकि वो डेली जो है उस हिसाब से माइन कर पाएगा। अब वो आपके ग्राफिक कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अगर आप लोग डिमांड करोगे भाई वेबसाइट बताओ हम कैसे माइन कर सकते हैं तो जो मैं उस पर वीडियो ले आऊंगा। यहाँ पे सेकंड चीज के बारे में जो काफी ज्यादा काम किया है, यस गाइस आप जो यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। अब भाई फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी ज्यादा हाई लेवल एडिटिंग आनी चाहिए या फिर फोटोशॉप चलाना आना चाहिए। अगर आपको बीट प्रोड्यूसिंग करनी आती है, आपको बीट बॉक्सिंग करनी आती है, आप म्यूजिक मिक्सिंग अच्छे से कर लो, तो ग्रेडिंग अच्छी आती है, या फिर आप काफी ज्यादा जो है अच्छी यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, आपके लोगो बनाना अच्छा है, आपकी ड्रॉइंग अच्छी है, स्केचिंग अच्छी आती है, जो आप यहाँ पे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। काफी सारी वेबसाइट्स है, फिर से मैं बता रहा हूँ, तो आप जो है वहाँ पे उनको रजिस्टर कर सकते हो एंड वहां से आपको जो है वर्क मिलता रहेगा। एंड मैं पर्सनली बताऊँ, अगर आप एक स्टूडेंट है मेरी तरह, तो आप जो है इसको जरूर से यूज करना, काफी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। यानी एक एक जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको हजारों देखने को मिल जाते हैं, यहाँ 1-2 हज़ार नहीं, 10-10, 5-5 हज़ार भी लोग दे देते हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए 5-10 हज़ार रुपये इनफ है भाई। मैं तो ये करते हैं यहाँ पे थर्ड एंड आखिरी चीज के बारे में जो थोड़ी सी ज्यादा जो है मेहनती या फिर आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे जो है वेबसाइट एंड ऐप डेवलपिंग। भाई यहाँ पे इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब आपको अगर वेबसाइट डिजाइनिंग या फिर ऐप डेवलपिंग आती है तो भी आप जो है यहाँ पे काफी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। जैसे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, कस्टमर्स को काफी महंगे में वेबसाइट बना के देती है, लेकिन वही वेबसाइट अगर आप सस्ते में बना दोगे, जैसे वो वेबसाइट 10 हज़ार में एक वेबसाइट बना रही है, अगर आप उसको जो है 7-6 हज़ार में बना दोगे तो भी आपको जो है काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा एंड वहां से जो आपकी पहली इनकम या फिर आप बोल सकते हो सेल चालू हो जाएगी और आप जो उससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कि भाई आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 10 में से 6 लोगों या 5 लोगों को जो है वेबसाइट नॉलेज तो होनी चाहिए, यानी वेबसाइट रिलेटेड कैसे वो बनती है, कोडिंग जावा ये सब। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं या फिर आप नॉर्मली अपना काम वाम कर रहे हैं तो आपको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये थे कुछ 3 तरीके जिसकी मदद से जो आप अपने लैपटॉप पीसी से जो है आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड थोड़ी सी जो आपको मेहनत लगेगी, एंड मैं बताऊं तो भाई बिना मेहनत के पैसे नहीं आते हैं भाई। ऐसा कोई नहीं तरीका कि आप बैठो आराम से आपके चेयर में पैसे ही पैसे, आपके सामने पैसे ही पैसे आ जाएंगे, तो मेहनत करनी पड़ती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से स्किल में जाना है। आपको अगर बिटकॉइन माइनिंग करनी है, डेवलपिंग करनी है, किसी में थोड़ी कम मेहनत है, किसी में ज्यादा है, किसी में टाइम ज्यादा है, किसी में पैसा ज्यादा है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड गाइस मैंने बताया ये साइड बाय साइड इनकम है, कोई आपको इसके ऊपर 100% डिपेंड नहीं होना है, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। तो गाइस इतना था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस में रोजाना अपने चैनल पर आता रहता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।